हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, वेज हक्का नूडल। वेज हक्का नूडल आप बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा, और ये मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप हक्का नूडल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हक्का नूडल बनाने के लिए सबसे पहले हमने नूडल को उबालना है। मैंने यहाँ पर एक पतीली में पानी ले लिया है और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अब हमने इस पानी को उबालना है। अब यहाँ पर हमारा पानी उबल गया है, अब हम इसमें नूडल डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ बॉइल नूडल लिए हैं। नूडल आपने पानी उबलने के बाद ही डालना है, ठंडे पानी में नूडल ना डालें। अब आपने नूडल को हल्का सा चला देना है जिससे कि ये नीचे ना चिपके। अब यहाँ पर हमारा नूडल उबल रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने नूडल कितना उबालना है। आपने नूडल को इस तरह से तोड़ना है और ये देखना है कि इसमें बाल से भी बराबर तार होना चाहिए, तभी आपने नूडल को छान लेना है। ये देखिए, मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा नूडल बॉईल हो गया है, अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक छन्नी में छान लेना है आपने। नूडल छानने के बाद आपने इस तरह से रख देना है जिससे कि इसका सारा पानी निचुड़ जाए। पानी निचुड़ने के बाद आपने इस तरह का एक बड़ा सा सरफेस लेना है या कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, नूडल को उस पर डाल देना है। अब आपने नूडल के ऊपर हल्का सा तेल छिड़क देना है और इसको हल्का सा चला देना है। ये देखिए, आपने नूडल को इस तरह से हल्का सा चला देना है, किसी टोंग की मदद से या लकड़ी की मदद से, या आप हाथ से भी हिला सकते हैं। अब जब तक हमारा नूडल ठंडा होता है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हक्का नूडल की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, पत्ता गोभी लिया है, पीला शिमला लिया है, हरा शिमला लिया है, लाल शिमला लिया है, और ये थोड़ा सा चाइना केवेज लिया है। अब आपने शिमला मिर्ची कटिंग कैसे करनी है देखिए। पहले छोटा सा पीस काट देना है और इसके बीज निकाल देना है और इसका लंबा लंबे जूलिन कटिंग कर देनी है। और इसी तरह से आपने पीला शिमला मिर्च काटना है, छोटा सा पीस लेना है और उसकी जूलिन कटिंग कर देनी है। अब आपने लाल शिमला मिर्च को भी इसी तरह से काटना है, इसका 1/2 कर देना है और इसको भी इसी तरह से लंबा लंबा जूलिन कटिंग में काट देना है। और यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है, पहले मैं आपको प्याज दिखाना भूल गया था, प्याज को भी आपने इसी तरह से जूलियन कटिंग कर देनी है। और ये देखिए, पत्ता गोभी को भी आपने इसी तरह से काट लेना है, जूलियन कटिंग में बारीक बारीक कटिंग करनी है इसकी। और ये चाइनीज़ कैबेज को भी आपने इसी तरह से काट लेना है, जूलियन कटिंग में। और ये देखिए, गाजर को आपने किस तरह से काटना है, पहले इसके स्लाइसेस निकाल देने हैं पतले पतले, फिर आपने गाजर को भी इसी तरह से जूलियन कटिंग में काट लेना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने नूडल की सारी कटिंग रेडी कर ली है और इनको एक प्लेट में रख लिया है, आप भी इसी तरह से रख लें। ये देखिए, हमारा नूडल यहाँ पर ठंडा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा नूडल एक भी चिपका नहीं, एक एक नूडल हमारा अलग अलग है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है। वेज हक्का नूडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चाइनीज़ कढ़ाई ले ली है और इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। आपने ऑयल को कढ़ाई के चारों तरफ घुमा देना है और इसको अच्छे से हीट कर लेना है। अगर आप अच्छे से हीट नहीं करेंगे तो आपका नूडल कढ़ाई में चिपक जाएगा। अब मैंने इसमें लगभग 20 ग्राम स्लाइस प्याज डाल दिया है, 20 ग्राम ही हरा और पीला शिमला मिर्च डाल दिया है, लगभग 50 ग्राम पत्ता गोभी डाल दिया है, 20 ग्राम गाजर डाल दिया है और 20 ग्राम ही चाइना केवेज डाल दिया है, 20 ग्राम ही लाल शिमला मिर्च डाल दिया है। अब यहाँ पर गैस चालू और आपने सब्जी को हल्का सा टोस्ट कर लेना है। आपने गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो फ्लेम में ही सब्जियों को टोस्ट करना है, नहीं तो उनमें कलर आ जाएगा, सब्जियाँ जल जाएंगी हमारी। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर बॉयल नूडल ले लिया है जो हमने पहले बॉयल करा था। मैं यहाँ पर एक पोर्शन ले रहा हूँ, आप नूडल अपने हिसाब से, अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से लें। अब इसमें नमक डाल दिया है, वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है, वेज ब्रोथ पाउडर, ग्रीन चिल्ली सॉस, डार्क सोया सॉस, चिल्ली ऑयल, और यह है मैगी सीजनिंग, इसको हम फ्लेवर के लिए डालते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। फिर से गैस चालू, अब आपने नूडल को अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेना है, सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, इस तरह से टोस्ट करना है। और गैस की फ्लेम आपने लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर टोस्ट नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने नूडल को आहिस्ता आहिस्ता से टोस्ट करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये देखिए, हमारा हक्का नूडल बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए, इसका कलर कितना शानदार आया है। अब मैंने इसकी गार्निश थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन से कर दी है, आपको भी इसी तरह से करनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।